अमेठी विद्या कृष्ण सामाजिक सेवा संस्थान समिति की ओर से वितरित किया गया खाद्य सामग्री। जिले के मुख्यालय गौरीगंज के गांवों के नज़दीक गरीबों को विद्या कृष्ण सामाजिक सेवा संस्थान की ओर से खाद्य सामग्री बांटा गया, जिसमें निखिल श्रीवास्तव, प्रकाश मौर्य, डायमंड लाइट निखिल मौर्य, अरविंद जायसवाल, समरजीत मौर्य, नमन श्रीवास्तव आदि लोगों ने मिलकर राहत सामग्री वितरित किया। अमेठी से लक्ष्मीकांत मौर्य के साथ जिला संवाददाता समर बहादुर सिंह। क्या नाम है आपका? किस संस्था से काम कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों से मदद कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? हम लोग विद्या कृष्ण सामाजिक सेवा संस्थान समिति से काम कर रहे हैं। मेरी पूरी एक टीम है और हम लोग आज लगातार 8वें दिन भी गरीबों को पूरे पूरे गौरीगंज विधानसभा में लगभग हम लोग राशन बांट रहे हैं। कभी कभी सबको सब्जी दे रहे हैं, कभी कभी हम लोग सबको पूरी सब्जी भी देते हैं, तहरी भी बांट रहे हैं। और हम लोग का ये काम लगातार चलता रहेगा 14 अप्रैल तक पूरी टीम के साथ। अभी तक लगभग कितने लोगों को आप लोगों ने राशन पहुँचाया है और किस तरीके से लोगों के बीच जाकर कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं? अभी तक लगभग हम लोग ने अगर पूरी सब्जी देखा जाए तो नियर अबाउट करीब 2000 लोग के आसपास हम लोग अभी तक पहुंचा चुके हैं। और कच्चा राशन भी हम लोग करीब 100 घरों के आसपास पहुंचा चुके हैं। और हम लोग जहां जहां जाते हैं सबसे यही कहते हैं कि सब लोग दूरियां बनाए रखें, ज़्यादा सब लोग पास ना आए और कोरोना को हराना है, भारत देश को जिताना है। प्रकाश मौर्य लाइट हाउस के नाम से है। प्रकाश जी, ये किस तरह से समाज सेवा आप लोग कर रहे हैं, किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं? सर, जितना हम लोगों से हो सक रहा है हम लोग अपने तरफ से निर्भाव एकदम पूरी सेवा कर रहे हैं। और लगभग जब तक हम कोरोना को हरा नहीं देंगे तब तक आप सभी और पूरे क्षेत्रवासियों के सहयोग से ये सेवा ऐसे ही जारी रहेगी। जितना हमसे हो सक रहा है राशन पानी हर चीज़ हम लोग पहुँचा रहे हैं और जब तक कोरोना को हम हरा नहीं देंगे तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।